तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिर इस वीडियो के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे आमाशय में जाता है और आमाशय में एक पचता अपाशय में जाने के बाद ये पचता है और पचने के बाद एक गैस निकलता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह कभी कभी अधिक मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है जिससे पेट में दर्द या सूजन होना शुरू होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम एंटेसिड HCl का प्रयोग करते हैं। एंटेसिड HCl का प्रयोग करते हैं जो क्षारक के रूप में लेते हैं जिससे हमारा पेट का दर्द और सूजन ठीक होता है। तो हमने पहला देखा पाचन तंत्र में पीएच का महत्व क्या होता है। अब दूसरी बात करते हैं हमारे दांत। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे दांत से पीस कर लार के रूप में बनाता है जिसका पीएच मान 5.5 होता है। कुछ अवशिष्ट हमारे भोजन की मात्रा में हमारे दांत में फंस जाते हैं, दांत में रह जाते हैं, जो पीएच मान से अधिक हो जाते हैं, पीएच मान से अधिक होते हैं जिससे हमारा दांत में क्षय या दर्द होना शुरू होता है। क्योंकि दांत हमारा इनेमुअल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जिसकी क्षमता मात्र 5.5 तक ही सहने की होती है। कोई अवशिष्ट पदार्थ इसमें रह जाते हैं तो ये इम्यूनियल फास्फेट कैल्शियम का सहन नहीं कर पाता है और हमारे दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हम मंजन पेस्ट या ब्रश का प्रयोग करते हैं, ब्रश का प्रयोग करते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं कभी कभी हमारे त्वचा पर बिच्छू या चींटी डंक मारती है। हमको मालूम है कि बिच्छू और चींटी डंक मारती है तो हमारे त्वचा पे जलन या दर्द होना शुरू होता है क्योंकि उनके डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है और इसी अम्ल के चलते हमारे नसों पे जो रक्त संचार क्रिया होती है वो जमने लगती है जिससे दर्द असहनीय दर्द होना शुरू होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम दुर्बल क्षारक या बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं जो नरम बनाकर और रक्त संचार क्रिया को जारी रखता है। तीसरा हुआ और चौथा हम बात करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं क्योंकि पेड़ पौधों को भरा भरा रहने के लिए उसके जड़ में नमी चाहिए। पेड़ पौधों को हरा भरा रहने के लिए उसके जड़ में नमी चाहिए और उस नमी में हम अधिक सुखापन या उदासीन होता है। तो उस उदासीन को हम अम्ल के रूप में देने के लिए उसकी हम मात्रा में खाद या नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, का प्रयोग करते हैं, जो उदासीन अम्ल को एक अम्लिक रूप में जो इसका पीएच मान होता है 7 जिसके हम उससे हम कोई भी खाद का प्रयोग करते हैं तो इसका पीएच मान क्या होता है, घट जाता है और जिसकी जो पौधे की मात्रा जितनी क्षमता में होती है उसका उस तरह का हम अम्ल का प्रयोग कर